और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की है वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड्स को 309 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने रिकॉर्ड बनाया है। मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक जड़ा है। नीदरलैंड्स की टीम 90 रन पर ही सिमट गई। शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आज का दिन बेहद खास क्योंकि बहुत बड़ी जीत यानी वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। 309 रन से नीदरलैंड्स की टीम को हरा दिया और मैक्सवेल के नाम सबसे तेज शतक रहा है। वनडे वर्ल्ड कप में 309 रन से ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है और वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टीम की रन के लिहाज से अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है। पिछला रिकॉर्ड 257 का था। ऑस्ट्रेलिया ने ही 2015 में अफगानिस्तान को पर्थ में इस अंतर से हराया था। यानी ऑस्ट्रेलिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और आज ये सबसे बड़ी जीत हासिल की है। ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने 44 गेंदों पर 106 रन बनाए हैं, वर्ल्ड कप में ये सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 40 गेंदों पर उन्होंने शतक जमाया। इसके अलावा डेविड वार्नर 93 गेंदों पर 104 रन बनाए, उन्होंने भी सेंचुरी लगाई है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 9 विकेट पर 399 रन बनाए और 400 रन का टारगेट नीदरलैंड्स की टीम को दिया, जबकि जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 20 ओवर में 90 रन के स्कोर पर ही सिमट गए। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया ने हासिल की है। हालांकि इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने हमने देखा था कि टॉप स्कोर बनाए, लेकिन आज रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, इसे ही चैंपियन कहते हैं। चैंपियन का अंदाज देखने को मिला और ऐसी टीम जो कि पहले दो मुकाबले हारी है और वो भी बहुत बुरी तरह से, और उसके बाद भारत से हारी, साउथ अफ्रीका से हारी, लेकिन इसके बाद उसके कदम इतनी तेज़ी से आगे बढ़े हैं ना, आप उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि ये टीम पहले तो चेज करके मुकाबला जीतती है, फिर उससे बड़ा स्कोर खड़ा करती है, फिर उससे भी बड़ा स्कोर खड़ा करती है और 399 रन यानी 400 रनों का लक्ष्य, और उसमें भी खासकर डेविड वार्नर की लगातार दूसरे मैच में सेंचुरी और साथ ही फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड कीर्तिमान ध्वस्त होना 1975 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। मार्करम थे पहले खिलाड़ी जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन आज मैक्सवेल ने उसे भी पार कर लिया और फास्टेस्ट सेंचुरी 40 गेंदों पर उन्होंने मुकम्मल की और ये वनडे क्रिकेट इतिहास की चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी है और वर्ल्ड कप के इतिहास की फास्टेस्ट। नीदरलैंड्स की टीम में टॉप ऑर्डर में जो खिलाड़ी खेल रहे थे बहुत ही प्रेशर में नजर आ रहे थे। इतना बड़ा जो स्कोर बन गया था, क्या उसको चेस कर पाना मुश्किल लग रहा था, इसी वजह से बहुत ज्यादा नर्वस दिखाई दिए और 90 रन पर ही पूरी टीम सिमट गई। देखिए, टीम जो है ना बिल्कुल बैलेंस बिल्कुल दिखाई नहीं दी, और वैसे भी ये कमजोरी रही है इस टीम की, बल्लेबाजी गेंदबाजी बहुत आला दर्जे की है। कभी कभार जब ये टीम बल्लेबाजी में चमकती है तभी ये उलटफेर कर पाती है। ऐसे ही आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऐसे ही आपने वनडे वर्ल्ड कप में इसी वर्ल्ड कप में देखा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उसके अलावा उसका प्रदर्शन जो है, क्योंकि बैलेंस ना होना टीम का वो सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस तरह से उनके प्लेयर्स ना तो यॉर्कर गेंदे फेंक रहे थे, ना जो शॉर्ट पिच बाउंसर जो कर रहे थे वो ज़्यादा असरदार नहीं थी, और तो और गति परिवर्तन भी देखने को नहीं मिला, इससे एक बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। रही बात आपके सवाल की कि उनकी जो बल्लेबाजी है, सही कहा जाए तो वो लाइन का अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि बॉल यहां आ रही है और आप खेल रहे हैं उसको फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, उसमें गेंद टर्न हो रही है और गेंद बैट और पैड के बीच में से निकल रही है। बड़ी जो बेसिक और मूलभूत जो कमजोरियां हैं वो सब उभर कर सामने आई है इस टीम की। जी, वार्नर को दो बार जीवन दान मिला, एक बार रन आउट होते होते बचे, एक बार कैच उनका छूट गया, क्या ये भी नीदरलैंड्स के लिए बहुत महंगा पड़ा? बहुत महंगा पड़ा। और देखिए, वार्नर मैं कहता हूँ बड़े किस्मत के धनी हैं। पिछले मुकाबले में भी जब उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की थी तब भी उनको जीवन दान मिला था और वो जीवन दान बहुत महंगा साबित हुआ, और आज एक रनआउट के मौके पर वो करीब करीब दोनों खिलाड़ी एक ही जगह पर आ गए थे, एक ही छोर पर, और वहाँ से वो वापस लौटे हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़े, किसी तरीके से उन्होंने अपने आप को रनआउट होने से बचाया और उसके बाद जो कैच छूटा उससे उनका काम आसान हो गया। लेकिन जिस तरह से आज खासकर ऑफ स्पिनर आर्यन दत्त के सामने उन्होंने
लगातार एक ओवर में 4 चौके लगाए, उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, क्योंकि नीदरलैंड तो ये मानकर चल रही थी कि अपोनेंट टीम में यानी ऑस्ट्रेलियाई टीम में कई बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो हमारे ऑफ स्पिनर जो हैं इनको ध्वस्त कर देंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई गेंद से दोनों छोर से ऑफ स्पिन बॉलर्स को यानी डबल स्पिन अटैक लगा दिया नीदरलैंड ने, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ, क्योंकि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज किसी भी तरह से शिथिलता के मूड में नहीं थे, जोखिम भी लिया और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक्सेलरेट किया वो काबिले तारीफ था। बार्सडेल लीडे जिन्होंने गेंदबाजी नीदरलैंड्स की ओर से की, उन्होंने सबसे ज्यादा रन दिए, सबसे महंगे उनके जो ओवर थे वो रहे, क्या उन्हें गेंदबाजी कराना एक गलत फैसला रहा? नहीं, गलत फैसला तो नहीं कह रहे, क्योंकि उस टीम में जितने बॉलर हैं, जितने ऑप्शन हैं, यही एक वो खिलाड़ी है जिसने स्कॉटलैंड के खिलाफ एक, हालांकि वर्ल्ड कप से पहले की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, 5 विकेट लिए, यहां इस वर्ल्ड कप में पहले मुकाबले में ही उन्होंने 4 विकेट लिए और हाफ सेंचुरी बनाई, एक मुकम्मल ऑलराउंडर हैं ये। लेकिन जिस तरह से, जिस अंदाज में आज तो यही कहने में आ रहा है कि आज 3 सेंचुरियाँ लगी हैं, 2 सेंचुरी यानी एक वार्नर के बल्ले से, एक मैक्सवेल के बल्ले से, और 1 सेंचुरी जो है इस गेंदबाज की गेंदों पर बनी है, तो ये अपने आप में ये कहिए कि ये वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास की का सबसे महंगा उनका वो रहा दौर रहा, जिसमें 10 ओवर में 115 रन। वास्तव में मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया ने हर मौके का भरपूर फायदा उठाया। और खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने ही 2015 में अफगानिस्तान की टीम को हराया था, 257 रन का एक बड़ा स्कोर रहा था, उसी रिकॉर्ड को आज उन्होंने खुद तोड़ा है। जी हाँ, उनको उस रिकॉर्ड को भी उन्होंने तोड़ा, और इसमें बहुत बड़ा श्रेय जो है वार्नर के अलावा मैक्सवेल को भी जाता है, क्योंकि मैक्सवेल आप देखिए कि 41वें ओवर में उनको स्ट्राइक मिलती है और 49 ओवर में वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप सिर्फ 40 गेंदें लेते हैं सेंचुरी पूरी करने में। अगर आप इनके आंकड़े देखें, डी लेडे जिनका आपने अभी जिक्र किया, उनके 49वें ओवर में 28 रन उन्होंने बटोरे, 3 छक्के और 2 चौके उन्होंने एक ओवर में लगा दिए। उससे पहले 48वां ओवर वान वीक का था, लोगान वान वीक का, इसमें 21 रन बने, 2 छक्के लगे और 1 चौका लगा। उससे पिछला ओवर 47वां ओवर डी लीडे का ही था, जिसमें उन्होंने 2 छक्के लगाए, यानी 2 छक्के 3 छक्के और साथ में चौके, ये उनकी एक आदत में शुमार हो गया था। और जिस अंदाज में वो खेल रहे थे, शुरुआत उन्होंने क्रिकेटिंग शॉट से की और क्रिकेटिंग शॉट्स को एंटरटेनिंग शॉट्स बदलने में देर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने जब आखिरी दौर में स्लॉग स्वीप किया, रिवर्स स्वीप किया, और जिस तरह से उल्टे बल्ले को उल्टा करके जो उन्होंने शॉट्स लगातार 4 शॉट्स लगाए हैं, वो देखते ही बनते थे, वो एंटरटेनमेंट था, एंटरटेनिंग शॉट से, और उससे ऑस्ट्रेलिया की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो गई। जी, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जिस तरह से मिडिल ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है, क्योंकि ये देखा गया कि 11 ओवर में 42 रन देकर और 7 विकेट झटके गए, और इस दौरान 15 रन से ज्यादा कोई खिलाड़ी रन बना ही नहीं पाया, यानी गेंदबाजी भी बहुत शानदार रही आज। बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, और उसके तीनों तेज गेंदबाज, चाहे वो स्टार्क हो, कमिंस हो, हेजलवुड हो, तीनों ने एक एक विकेट चटकाया और अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया। और यहाँ पर क्योंकि लाइन को सही तरीके से ना पढ़ पाना उनकी बहुत बड़ी परेशानी थी नीदरलैंड की के बल्लेबाजों की, 4 बल्लेबाज तो बिल्कुल गेंद की लाइन को नहीं पढ़ पाए, ना स्पिनर्स को ना तेज गेंदबाजों को, उससे जो है विकेटों का पतझड़ एक तरह से मैं कहूँगा शुरू हो गया और एक टीम 100 रन भी नहीं बना पाई। और रही सही कसर एडम जैम्पा ने पूरी कर दी 4 विकेट चटकाकर, हाँ। और 4 विकेट उन्होंने बिल्कुल अलग अलग शैली में हासिल किए, एक चाहे वो एक जो पहला विकेट था उनका, वो उसमें उछाल, अतिरिक्त उछाल था, अतिरिक्त उछाल पर उन्होंने गलती करने के लिए मजबूर किया, एक विकेट उनको गुगली पर मिला, और इसके अलावा उन्होंने जो है गेंद जब बैट और पैड के बीच में से निकली थी तब उन्होंने रॉयल वांडर मर्व को आउट किया, और इसी तरह से स्वीप मिस करना बहुत महंगा पड़ा मिक्रेन को। तो इस तरह से 4 विकेट न सिर्फ इस मैच में 4 विकेट बल्कि लगातार 3रे मैच में 4 विकेट चटकाना और गेंदबाजों की सूची में नंबर 1 बनना, ये एडम जैम्पा को विशिष्ट बनाता है, और यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी खूबी है।